रोम हल्द्वानी, अभी लेकिन हम खेल निकलने के लिए तैयारी है, थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से हल्द्वानी से, और आपको वहाँ का जो मंदिर है उसके बारे में दर्शन लेंगे, बहुत ही फेमस है। ये हल्द्वानी से निकले हैं, ये कंट्री साइड होटल से अभी निकलेंगे हम गाड़ी से, अभी हम बैठ रहे हैं इसमें, निकल पड़ेंगे। So the journey started. We arrived at 2:35 PM. यहाँ हल्द्वानी से एक शॉर्टकट रोड से, जैसे कि ड्राइवर साहब बोल रहे थे कि वहाँ जाम लगता है मेन रोड सिटी में, तो इस साइड से निकल रहे हैं। सो अभी निकल पड़े हैं, देखिए भाई साहब केशुधाम के लिए नैनीताल, पूरा जंगल का सफर है, हेयरपिन रोड से बहुत सारे जैसे होता है, तो यहाँ से 30-40 किलोमीटर होगा, लेकिन सफ़र लंबा है, फॉरेस्ट का इलाका है। तो यहाँ जो हेलीपैड सर्विस है, हल्द्वानी से चंपा 2,500, पिथौरागढ़ 3,500 और 4,000। देखिए ये सरकार की व्यवस्था है, कोई भी टूरिस्ट आए तो ये इसका लाभ उठा सकते हैं। शुरू किया तो बारिश शुरू हो गई, ऊपर जाने के जस्ट स्टार्टिंग से बारिश शुरू हो गई, ठीक ठाक लग रहा है बारिश, ऊपर जाने से पता चलेगा कितनी दे रही है, तो थोड़ा और क्लोज कर लेता हूँ। ये जो पुरानी खेत 83 अलवा भीमताल पूरा रखा है, तो हम भीमताल 19 है, चित्रगंज नैनीताल, ये खाद का जैसे बहुत सारे रेलवे जो आती है खाट गोदाम एक्सप्रेस से आती है, हल्द्वानी बहुत कम आती है, तो लास्ट डेट तक यहाँ को देखने को मिलेगा। ये ब्रिज बना होगा पुराने ज़माने के, शायद ब्रिटिश होने, नीचे पानी गाड़ी हम रेकमेंड करेंगे, फोन नंबर और सब दे देंगे आपको, और जब कोई आप हल्द्वानी आए तो नैनीताल नैनीताल होके जाए, नैनीताल नहीं है, अच्छा रास्ता वही है, अच्छा बीच में से कट जाएंगे। ओके, वो रास्ते में क्या है, स्टोन गिरते हैं सर, नैनीताल नहीं पड़ेगा, नैनीताल पड़ेगा सर, ऊपर को जाएंगे 16 किलोमीटर तो नैनीताल पड़ेगा, ये राइट साइड मुड़ेंगे तो कैची धाम जाएंगे, इसको नेशनल हाईवे बोलते हैं, जितनी बड़ी गाड़ी बसें हैं सब इसी से चलती हैं, इसी से चलती है। ओके, कौन सा रोड, यहाँ तेज पत्ता। सो हल्द्वानी में जो हल्द्वानी का नाम पड़ा है वो तो हल्दू करके एक झाड़ है, उस पर हम आपको दिखाएंगे, जैसे कि कदम्बा जो है, कदम्बा की जो नेवल एमआर के ना उसको बोलते हैं, उसी फैमिली का है, रूबियसी का, तो वो बहुत है, इसकी वजह से मुझे लगता है उसका नाम पड़ा है। और दूसरी बात, यहाँ तेज पत्ता बहुत होती है, जो स्पाइसिस है, सिनेमम तमाला जो बोटानिकल नेम है उसको, तो वो भी है, हम वो भी दिखाएँगे जाते जाते। और लाखोरी मिर्च भी है, वो थोड़ा मतलब जैसे बर्ड आई चिली बोर्ड, ये जंगल फिएस्टा करके रेस्टोरेंट है, वहाँ से आ गए, ये लग गया, ये लग गया, तेज पत्ता। सो भाई साहब देखो उस तरफ तेज पत्ते की बगीचा है, वो ड्राइवर साहब ने बता दिया है, फिर भी हम आपको नज़दीक जाके दिखाएंगे, थोड़ा अभी जा रहे हैं हम। हाँ ओके ओके, ये
ऊपर अभी नैनीताल सीधा कैची धाम। ओके साइन बोर्ड हाँ है, इधर साइन बोर्ड दिखता है वैसे, वो देखो ऊपर सीधा जाना है, हमें सीधा जाना है ये और ये नैनीताल 24 किलोमीटर अच्छा 24 किलोमीटर वेरी गुड। अच्छा ये भी बढ़िया रास्ता है, ये हाईवे है। हाँ तो पता नहीं कल सर कैसे निकले थे वो इनोवा लेके। हाँ ब्रिज आ गया कर्ण प्रयाग 236 अलमोरा वाली ब्रिज बना हुआ इधर मेन। बाबा जी ने प्लांट त्याग थे वृंदावन में मथुरा में, लेकिन वहाँ से आके यहाँ दर्शन करने क्यों आते हैं, क्योंकि जो बाबा जी की अस्थियाँ थी वो यहाँ लेके आए थे। जो बाबा जी की आप स्टैचू देखेंगे वाइट कलर का, और कभी ध्यान से देखेंगे वहाँ प्रसाद नहीं चढ़ता, प्रसाद अंदर नहीं जाता, उसके नीचे अस्थियाँ रखी हैं बाबा जी की, इसलिए महत्व है। बाकी बहुत ऐसा नहीं है, अरे सबके मिलने से ये बताया गया कि उधर गए हो भी सकता है, मतलब उसके बाद का है इंडियन वो आया था बिहार में, उससे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे हमारे मुर्मू उनसे पहले थे। बढ़िया नजारा है पहाड़ी इलाका कैंची धाम जा रहे हो, ये सही हिमालयन बेल्ट में जो साउथ में जितने भी यहाँ की रॉक सिस्टम और ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर वंडरफुल ब्यूटीफुल। ये गांव का नाम भूमिया राज। अच्छा आप गेट में देखेंगे नाम लिखा होगा बाबा जी का। हाँ बाबा जी का नाम लिखा सर। हाँ और बाबा जी परम पूज्य श्री बाबा। हाँ लिखा है। घंटी बजाइए। उसको जो है गढ़वाल और कुमाऊं, और हम कुमाऊं में है ना। यस और नैनीताल अल्मोड़ा रानीखेत से कौसानी आता है गढ़वाल में, बद्रीनाथ केदारनाथ श्रीनगर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम गढ़वाल एरिया में है, लैंडस्लाइड ये वो मवाल भवाली अल्मोड़ा कर्ण प्रयाग परसेंट लोग होगा इसको प्रॉब्लम होगी। जी हम जाते जाते आप देखेंगे जैसे पाइन ट्री यहाँ बहुत है, पाइन पाइन जो है ना बादल का वो वैसा वाला एसिड क्लाउड एसिड रेन गिरा है ना। ओके ओके कष्टों पे कैंची चलती है। अच्छा इसलिए कैंची दाम। ओके बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बाबा जी का आज दर्शन लेंगे और जो आस्था है हमारे मन में उस आस्था को प्रकट करेंगे। Hello guys, let's see the views of Himalayan belt. और ये भाई साहब अलग किस्म की है। हाँ 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 देखो नीचे हम उतर रहे अभी। ये देखिए वहाँ नीचे आपको दिख रहा है कैच। About to enter to the होटल ग्रीन पार्क। भीड़ कम है बैठे बिल का था तो बिल का वो ओपन को रिटर्न पूरा व्यूज देखिए। ये देखिए विशेष मैं अभी कैंची धाम में आया हूँ। किरोड़ी बाबा का जो मैं रियली वहाँ मंदिर है और ये ब्लॉग आपके लिए बना रहा हूँ। और सुबह 2 बजे निकले थे, अभी बज गए हैं 4:15। तो किसी के खाना नहीं खाया, अभी खाना खाएंगे थोड़ी देर में। और यहाँ थोड़ी देर में हमारे साथ देखिए और हम सुबह निकले थे साथ में। तो संदीप को भी बहुत धन्यवाद चलिए। अच्छा राव साहब आए हैं मुख्यमंत्री, तो हमारे चलिए थैंक यू बहुत धन्यवाद सर।
हेलो कैसे क्या हम फैन सर सर केक ले लीजिए सर सर अरे भाई हाँ सर सॉरी करौली का जो धाम है बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं आप देख लीजिए और दर्शन करने आ रहे हैं बाबा के तो ना वो आई जस्ट एंटर्ड हियर और ये नीचे नदी है और देख रहे हो यहाँ यहाँ बहुत सारे लोग हैं इधर और लोग भीड़ है श्रद्धा है आस्था है और देखिए पूरे हो गए अरे अंदर को पानी नेचुरल वाटर है ये लोग बैठे हैं इधर लेकिन अलग किस्म के है थोड़ा मुंह देख रही हूँ ये है अलग किस्म के लग रहा है ये आई थिंक ये वैरायटी अलग है टोटली उसी कितना वो वेरी गुड बाबा के पास आए हम और दर्शन करके बाहर आ गए अंदर फोटोग्राफी वीडियो आना है इसलिए हम बाहर से दिखा दे रहे हैं कि लोग यहाँ साथ ले रहे हैं और यहाँ पूरा पहाड़ी इलाका है केचू और यहाँ देखिए शुद्ध पानी है आपको जो साउंड आ रहा है नीचे से सी दी क्वालिटी ऑफ वाटर एंड दी कड़ा 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 साउंड परफेक्ट आपको दिखा देता हूँ यहाँ देखिए ये मंदिर है आप अंदर वहाँ से एंट्री है एंट्री करके वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ाई जाती है पहले बाबा से आप जो मान सकते हैं ये है व्यू दर्शन तो हो गया आइए जाइए संदीप जी है ब्लॉगिंग है और जस्ट अभी दर्शन अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो इसलिए हम बाहर से आपको दिखा रहे हैं और सभी को हम अपील करेंगे कि आप आइए और यहाँ दर्शन ले लीजिए जैसे आपको पता है विराट कोहली जी आए थे और हमें ऐसे भी सुना है कि एप्पल के फाउंडर और मार्क जुकरबर्ग सभी आके यहाँ बाबा जी का दर्शन लिया है और उनके मन में जो था वो मांगता है तो उससे वो पूर्ति हो जाती है तो जितने भी मेरे भाई बहन और सब यहाँ जो भी देख रहे हैं आइए और कैची धाम इसका दर्शन ले लीजिए थैंक यू ले रहे हैं आपको और ये जस्ट मंदिर के साइड में ही है तो दे दीजिए आप सबके कहना है यहाँ है हाँ तो अगर वहीं अगर देखना है छोटे हैं तो देख सकते छोटे किस्म के और पूरा यहाँ से आप अल्मोरा ये पूरा सीधा जाना अभी हमने जूता रखा था जूता स्टैंड है इधर ये बाबा जी के यहाँ कुछ ले लेंगे राम होंगे भाई कृष्ण बजरंगबली 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 तो ले लिया हमने यहाँ से ये लड्डू है मिर्ची धान की शेयर करके खाएंगे अभी ओम यस यस प्रसाद भूख तो लगी है नीचे होटल भी है तो अभी दर्शन हो गया और आ रहा हूँ होटल में खाने के लिए आए हैं इधर एक चूल्हा द किचन होटल है तो यहाँ सबके लिए वेलकम आइए खाना खाते हैं ना गुड अच्छा है तो मेरा सामान यहाँ रखा है मुझे थोड़ा लगेज देने की बहुत पेपर अरे क्या है भाई साहब चलिए